परासिया में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पूरे विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम पर विधायक को ज्ञापन सौंपा। बिजली विभाग के लोग निजीकरण के मसले पर केंद्र और राज्य सरकार से नाराज हैं। बिजली विभाग के समस्त कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम विधायक को ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार के निजीकरण नीति को लेकर नाराजगी जताई, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 8 माह का समय दिया गया है कि बिजली विभाग को भी प्राइवेटीकरण किया जाए, जिससे नाराज होकर विधायक को ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि विधायक सोहन बाल्वी के विधानसभा सत्र में बिजली कर्मचारियों की आवाज उठाएं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराकर निजीकरण की पहल को बंद कराने का प्रयास करें। क्षेत्र के सभी विद्युत कार्यालयों से सभी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सेज कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मीटर रीडर वगैरह सब, और हम लोग जो है केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया SBD स्टैंडर्ड बिल डॉक्यूमेंट्स जो बिल लाया गया है और जिसमें 8 माह के अंदर में निजीकरण करने की बात कही गई है राज्य सरकारों को, हम उसका विरोध करते हैं और उसके विरोध स्वरूप आज हम ये ज्ञापन माननीय विधायक महोदय सोहन बाल्मी जी को सौंपने आए हैं। यह सभी राज्यों को आदेशित किया है कि इसको लागू किया जाए, तो निश्चित रूप से इस बिल में जो जिस बातों का उल्लेख है, सीधे तौर पर कर्मचारियों को तो नुकसान हो रहा है, अप्रत्यक्ष तौर पर ये प्रदेश और देश की जनता को भी इसका बहुत भारी का नुकसान होगा और इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से राज्य सरकार, केंद्र सरकार निजीकरण की ओर जो जा रही है और जिस तरीके की जो कार्रवाई कर रही, तानाशाही रवैया अपनाए हुआ है, निश्चित रूप से हम सबके लिए एक दुर्भाग्य का विषय है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।